आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। माननीय गुहा राम अजगल्ले जी को जांजगीर चांपा लोकसभा से सांसद बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छोटू यादव जिला अध्यक्ष यादव समाज ग्रामीण एवं सदस्य यादव 11 कुदरी। ज्योत्सना महंत को कोरबा लोकसभा से सांसद बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत हरि सिंह राठिया सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रजगामार जिला कोरबा छत्तीसगढ़। वैसे तो लोग शोक के समय ही किसी के मृत्यु होने पर शमशान घाट जाते हैं और जब शमशान घाट का नाम आए तो लोगों की पसीने भी छूट जाता है, मगर हम एक ऐसे शमशान घाट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग सैर तक करने जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रायखेड़ा जहां के शमशान घाट को किसी खूबसूरत गार्डन की तरह इस प्रकार विकसित किया गया है कि लोग सुबह शाम सैर तक करने आते हैं, तो वहीं आसपास के लोग मॉर्निंग वॉक करने भी यहां रोज आते हैं। अनेक प्रकार के छोटे पेड़ पौधे, रंग बिरंगी सुगंधित फूलों से आच्छादित और चारों तरफ लगे अनेक पेड़ पौधों की हरियाली को देखकर यह नहीं लगता कि हम किसी शमशान घाट में खड़े हैं, बल्कि किसी गार्डन का एहसास होता है। शवों को जलाने दो शेड बनाया गया है जिसे तिरंगे की रंग से इस तरह रंगा गया है कि दूर से ही देखने से आकर्षक जान पड़ता है। शुरू में बने विशाल स्वागत गेट तथा चारों ओर लगे अनेक पेड़ पौधों को देख मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। पेड़ पौधों की सुरक्षा तथा देखरेख के लिए माली भी रखी गई है जो आवश्यक साफ सफाई सहित पेड़ पौधों को पानी भी देता है। साथ ही वृक्षों के बचाव के लिए इस जगह के चारों तरफ से चारों ओर घेरा गया है। वहीं ग्राम के सरपंच खिलावन शर्मा ने बताया कि 15 लाख की लागत से लगभग 5 एकड़ जमीन में बने इस विशाल शमशान घाट को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अंचल सहित आसपास के गांव में इस प्रकार का शमशान घाट और कहीं नजर नहीं आता, इस कारण यह शुरू से ही लोगों के लिए आकर्षक का कौतूहल का केंद्र बना हुआ है जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। जहां पहली बार आने वाले लोग इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं और यह शमशान घाट आज न केवल अन्य ग्राम पंचायतों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल और आदर्श शमशान घाट बनती जा रही है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा से केशव पाल की रिपोर्ट।